डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर कोलिजन इन ए गैस। कि जब भी कोई वेसल हम लेते हैं और सपोज करके चलते हैं कि भाई उसके अंदर हमारे गैसेस मॉलिक्यूल हैं और वो जो है लगातार एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो एक बात भी हमने पढ़ी थी कि जब भी उनके बीच में कोलिजन होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक तो कोलिजन डायमीटर पढ़ेंगे और एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और उसके लिए रिलेशन भी हम डिराइव करेंगे। तो आइए आज हम करते हैं। मॉलिक्यूलर कोलिजन इन ए गैस, मॉलिक्यूलर कोलिजन इन ए गैस। अब मॉलिक्यूलर कोलिजन की जब हम बात करेंगे बेटा, तो उसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई कोई भी दो गैसेस मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं, तो हम ले लेते हैं भाई ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है जो जिसका डायमीटर है हमारा सिग्मा। अब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक ये मॉलिक्यूल हमारा और एक ये मॉलिक्यूल हमारा। अब जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे, तो इतने क्लोज आ जाएंगे, इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज होंगे कि उनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस जिसके ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करे हैं, तो जो बीच का डायमीटर है हमारा, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, कोलिजन डायमीटर। अगर हम ये सपोज करके चले ये मॉलिक्यूल भी और ये मॉलिक्यूल भी कोलाइड कर रहे हैं ऐसे, और इसका अगर हम डायग्राम बना लेते हैं और इस तरह से मॉलिक्यूल है हमारे, तो ये जो डायमीटर हमारा, ये क्या है बेटा हमारा, कोलिजन डायमीटर। अब जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, गैसीय मॉलिक्यूल भरे हुए, मान लिया यहां पे भरे हुए हैं या यहां पे हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सपोज करो उनकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, वी बार है। अब जरूरी नहीं है कोलिजन डायमीटर हम इसी को लें, कोलिजन डायमीटर हम इसको भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का रेडियस और इसका ये रेडियस, ये भी क्या है हमारा, कोलिजन डायमीटर है। क्लियर है? तो यहां से आप किसको डिफाइन कर सकते हो, कोलिजन डायमीटर को डिफाइन कर सकते हो। तो कोलिजन डायमीटर एक प्रकार से क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल, कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो सेंटर है, जैसे ये दो मॉलिक्यूल ले ली, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये कोलिजन डायमीटर है, इसका इसका सेंटर, ये कोलिजन डायमीटर है, या फिर हम पूरा ही लेंगे तो ये भी हमारा डायमीटर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कोलिजन डायमीटर। कब? व्हेन दे टच ईच अदर। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन नॉन इंटरैक्टिंग स्फीयर्स, नॉन इंटरैक्टिंग स्फीयर्स विद डायमीटर, इसको हम सिग्मा बोल सकते हैं एक प्रकार से, एंड एवरेज स्पीड को हमने क्या माना है इस डायग्राम के अंदर, v बार। एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, v बार। सो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर टिल ए पॉइंट रीच्ड वहन या वेयर म्यूचुअल रिपल्सन बिटवीन देम बिकम, तो जो रिपल्सन होगा उनके बीच में वो इतना हो जाएगा कि सो स्ट्रॉन्ग दैट दे गेट रीबाउंडेड, कि वो एक दूसरे के साथ जो है दोबारा से क्या हो जाएंगे, रीबाउंड हो जाएंगे। रीबाउंड कैसे होंगे, उसके अंदर जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं, अब इसके अंदर दो टाइप के रिपल्सन है बेटा, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, तो
न्यूक्लियर रिपल्सन भी है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी है, लेकिन इसके अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स भी है इसके अंदर। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम बताएंगे। तो अब जब वो एक दूसरे के साथ ऐसे आकर के टकराए और इतने क्लोज आ गए कि और ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते, वो वापिस से क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। मतलब नाउ हेंस नाउ डायरेक्शन ऑफ टू मोलिक्यूल्स गेट रिवर्स्ड, कि उनके बीच की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। दिस इज द कोलिजन डायमीटर। इसको क्या नाम देंगे बेटा, हमें कोलिजन डायमीटर नाम देंगे, क्लियर है। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा किसको, कोलिजन डायमीटर को। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम कोलिजन डायमीटर, या इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मोलिक्यूल्स व्हेन दे टच ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं ड्यूरिंग ए कोलिजन, उसको क्या कहेंगे बेटा हमें, कोलिजन डायमीटर। तो क्या हो गया, वो डिस्टेंस हमारा दो मॉलिक्यूल के बीच में जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं, तो जब वो एक दूसरे को टच करते हैं कोलिजन के दौरान, जैसे इन्होंने एक दूसरे को टच किया, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या मान सकता हूं, इसका कोलिजन डायमीटर। क्लियर है पॉइंट सबको। इसके बाद बेटा हम निकालेंगे कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या लेके चलेंगे हम, कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए हम हमारे डायग्राम से लेके चलेंगे कि सपोज कर लेते हैं हम जो डायमीटर है हमारा वो कितना है बेटा, सिग्मा माना था हमने, और जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन है कि जिस एरिया के अंदर वो कोलिजन करेंगे वो क्या मान लिया हमने, पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड है उसकी वो क्या मान लेते हैं बेटा, उसकी वी मान लेते हैं, क्लियर है। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम स्वेप्ट फॉर वन मॉलिक्यूल इन वन सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या निकालें बेटा, उसका वॉल्यूम निकालें। तो वी की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी, अब कोलिजन क्रॉस सेक्शन कितना था, पाई सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई में उसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड वी। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर एक मान लेते हैं, क्लियर है। उसके बाद अब ये किसके लिए निकालना है बेटा, हमने एक मॉलिक्यूल के लिए, अब हमें ये तो नहीं पता कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हम उसको किस क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। तो यहां से क्या निकालेंगे, टोटल हेंस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि उसके अंदर भाई पर यूनिट वॉल्यूम में सपोज कर लिया हमने कितने मॉलिक्यूल हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ एन वो क्या हो जाएगा, वी एन के बराबर, और वी की वैल्यू क्या थी हमारी, पाई सिग्मा स्क्वायर वी। अब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, एन से, क्यों, क्योंकि ये था एक मॉलिक्यूल के लिए, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या ले लेंगे, उसको एन ले लेंगे, ये आ जाएगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर दो, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हेंस नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय वन मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल इन वन सेकेंड, कि जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक सेकेंड में कितनी बार टकरा रहा है, मतलब क्या निकालेंगे हम उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम जेड क्रॉस से डिनोट करेंगे बेटा। तो जेड क्रॉस को किसके बराबर लिख सकते हैं हम, एन के बराबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई सिग्मा स्क्वायर वी,
और मल्टीप्लाई में क्या था बेटा हमारा एन, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद अब हमने क्या मान के चले भाई कि एक मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्राइक कर रहा है, बाकी मॉलिक्यूल्स क्या है रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी मॉलिक्यूल्स भी लगातार किस में है मोशन में है, दे आर नॉट स्टेशनरी। तो यहां से क्या लिखेंगे एस वी हैव अज्यूम्ड ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, केवल एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है मूव कर रहा है, एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वो रुके हुए हैं, कि एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है बाकी रुके हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली अदर्स आर आल्सो मूविंग, दूसरे भी क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी। वो जो मॉलिक्यूल है बेटा वो क्या है स्टेशनरी नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा उसकी जो वेसल है हमारा उसकी रिलेटिव स्पीड हमें लेनी पड़ेगी। हेंस वी हैव टू टेकन रिलेटिव स्पीड, हम क्या मान के चलते हैं भाई अब हम उसकी रिलेटिव स्पीड लेके चलेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, अब जो एवरेज वेलोसिटी होगी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की वो हम कैसे निकालेंगे, अब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, हम सपोज करके चलते हैं भाई जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे कोलाइड कर रहे हैं, जिसमें और एक की वेलोसिटी कितनी है v है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी अंडर रूट 2v, मतलब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आई है इसमें वेलोसिटी को हम किसके द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं बेटा अंडर रूट 2v के द्वारा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4th, एन सी बराबर है अंडर रूट 2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या किया बेटा जो एवरेज स्पीड थी v उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ है रिलेटिव स्पीड के साथ, जो रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी अंडर रूट 2v आ रही है, क्लियर है। तो यहां पे हमने क्या लिखा है मॉलिक्यूल्स अप्रोच एट राइट एंगल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को किस पे अप्रोच कर रहे हैं बेटा राइट एंगल पे अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है और v को जो है रिप्लेस कर दिया है किसके द्वारा अंडर रूट 2v के द्वारा, क्लियर है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है nc बराबर अंडर रूट 2 पाई nc स्क्वायर n v सिग्मा स्क्वायर n, ये किसके लिए आ गई है हमारी एक मॉलिक्यूल के लिए, अब हम क्या लेके चलेंगे कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसके लिए अप्रोच करेंगे हम, तो ये इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं nc बराबर अंडर रूट 2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे n से, n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, ये क्या आ गया बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 5, क्लियर है। अब हम यहां पे लेके चल रहे हैं दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये इसके साथ कोलाइड कर रहा है, तो जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं एवरेज स्पीड कितनी आ रही है अंडर रूट 2v, हम क्या निकालेंगे एक मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन निकालेंगे, हेंस नाउ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन फॉर वन मॉलिक्यूल, अब ये जो कोलिजन था हमने किसके लिए निकाला बेटा बाई मोलिकुलर के लिए, एक मोलिकुलर के लिए निकाले तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, तो इसमें क्या करेंगे 1/2 इंटू में क्या होगा अंडर रूट 2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, अब यहां से क्या होगा हाफ पावर रह जाएगी तो क्या बच जाएगा हमारा 1/, अब ये हाफ पावर तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे हाफ पावर बचे 1/ अंडर रूट 2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, ये क्या आ गई बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या आ गई हमारी जेड क्रॉस या कोलिजन
फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गई बेटा हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि एक मॉलिक्यूल जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या बेटा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड के अंदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड इन वन सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा किसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, ये क्या बेटा हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम इसको, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स अकरिंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहे बेटा पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर है गैस में, वो क्या बेटा हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? तो इसको आप याद करने के लिए क्या करेंगे, केवल इन इक्वेशंस को एक बार माइंड में कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे कि हाँ हमने वी निकाला पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू में उसकी वेलोसिटी, ये स्मॉल वी है ये कैपिटल वी है वॉल्यूम है। फिर हमने मान लिया कि भाई ये था एक मॉलिक्यूल के लिए, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए उसको क्या ले लेंगे हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ गया। फिर नंबर ऑफ कोलिजन निकालेंगे हम एक मॉलिक्यूल के लिए, जब वो स्ट्राइक करा किसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी, तो उसके लिए हम इसको क्या मान लेते हैं जेड बार फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसकी, तो एन बराबर है पाई सिग्मा स्क्वायर वी इनटू में एन आ गया। अब हमने अज्यूम किया था कि एक मॉलिक्यूल ही मूव करा क्योंकि यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है स्टेशनरी एक जगह पे रुके हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं कोलाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, सपोज करके चलना पड़ेगा कि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, जब वो कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी वी होगी, और हमने अज्यूम कर लिया कि वो राइट एंगल पे कोलाइड कर रहे हैं तो उसकी एवरेज जो वेलोसिटी थी वी उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसकी रिलेटिव स्पीड के द्वारा। तो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, एन सी बराबर √2π v सिग्मा स्क्वायर एन। ठीक है, तो इसके बाद एन सी की वैल्यू हमारी आ गई, अब ये एक मॉलिक्यूल के लिए आई, हमने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाली थी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा बेटा इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2π v सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आगे हमारे इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो कोलिजन हो रहा है दो मॉलिक्यूल का हो रहा है, हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी पहले सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन फॉर वन मॉलिक्यूल इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा √2π v सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर वी, अब √ इससे कैंसिल हो जाएगा हाफ बच जाएगा तो जेड क्या हो जाएगा हमारा 1/√2π v सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये क्या आएगा बेटा हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब रिलेशन हमारा यही पे खत्म नहीं होता, इस रिलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर दिए हैं बेटा मैंने उसके अंदर मैंने आपको तीन तरह की स्पीड बताई थी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो उसमें हमने जो एवरेज स्पीड थी उसको किससे डिनोट किया था v से, तो v बार या v को हम क्या ले सकते हैं 8RT अपॉन में पाई m और इसकी पावर क्या ले लेंगे बेटा हम हाफ, या फिर इसको क्या लिखता हूँ 8RT अपॉन में पाई m इस पूरे का क्या है √। अब ये इक्वेशन नंबर 6 थी, इसको काम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब v की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट कर दूँ बेटा इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, तो हम करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है हमारी 6th इक्वेशन में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो v की जगह ये रखेंगे बेटा तो z बार किसके बराबर होगा हमारा 1/√2π। अब v है, v की जगह वैल्यू रख देंगे हम 8RT अपॉन में पाई m की पावर ऑफ और आगे क्या है सिग्मा स्क्वेयर एन स्क्वेयर, ये आगे हमारी इक्वेशन नंबर 8। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा हाफ पावर है 8 का √ लेंगे हम तो क्या आएगा 2√2, तो z बार क्या आ जाएगा 1/√2π। अब RT बाई m का रूट रख लेते हम इसका रूट निकाल लेते तो क्या आएगा 2√2 अपॉन का √π इंटू RT बाई m √ इंटू में सिग्मा स्क्वेयर एन स्क्वेयर। अब क्या हुआ बेटा यहाँ से √ से हाफ कटेगा, ये कंप्लीट पावर है ये हाफ पावर है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √π
अनरूट से अनरूट कट जाएगा, तो जेड स्टार हमारा क्या आ जाएगा बेटा, टू अनरूट आर टी बाई एम इंटू सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये क्या आ गई हमारे बेटा इसके लिए फाइनल इक्वेशन आ गई, जिसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 9। क्लियर है बेटा? तो ये क्या आ गई हमारी उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो किया क्या हमने, बस जो वी था हमारा उसमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है 8 RT/m की पावर हाफ, इसको जब खोलेंगे तो 8 का अनरूट करेंगे तो 2 √2 होता है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √π से आप पावर चली जाए क्या रह जाएगा हमारा 2 √ अच्छा पाई रहेगा हमारा, पाई भी आएगा 2 √π RT/m इंटू का सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये जेड बार हमारा आया हुआ है, क्रॉस आया हुआ है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अब देख लो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या बोल सकते हैं, हमें जो जेड बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एवरेज टेम्परेचर के। दूसरा ये सिग्मा क्या था बेटा हमारा, डायमीटर था, तो जेड बार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ मोलिकुलर डायमीटर, तो मोलिकुलर डायमीटर उसका स्क्वायर ले ले उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसके बराबर है, जेड बार एन क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। सीधी सी बात है, जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे बेटा कोलिजन भी क्या होगा हमारा उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? इसके बाद तो हम यहां से दो बातें लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज करेगा बेटा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। दूसरी बात प्रेशर अगर क्या करेगा इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया वो भी क्या करेंगे बेटा इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? तो ये था आपका टॉपिक बेटा कोलिजन नंबर एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं बेटा तो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी जो इसे फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू।